Next control is numeric up down control, right? See, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि date time picker control के अंदर आपको combo box जैसा drop down list जैसा भी बना सकते हो and spinner भी उसे बना सकते हो. You can treat that date time control as a spinner also. So that spin box आप यहाँ पे देख सकते हो. It is over here. See right hand side of this numeric up down control. This is known as spin box के जिसके अंदर up arrow and down arrow होगे कि जिसका use करके हम spin कर सकते हैं. That is value increment decrement up and down. अगर मुझे वो values ले जानी है, right? तो मैं ये spin box control का use कर सकती हूँ कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, right? So, अगर मुझे ऐसा एक कंट्रोल चाहिए कि जिसके अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज डिस्प्ले कर सकती हूँ. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली इंटीजर वैल्यू, नो, वहां पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकती हूँ. इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वर्ड यूज किया है, राइट? सो अगर मैं वहां पे न्यूमेरिक वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहती हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट आई नीड अ काइंड ऑफ अ फैसिलिटी लाइक अ स्पिन बॉक्स के ताकि मैं एरोज का यूज करके अप एंड डाउन वहां पे वैल्यूज को ले जा सकूं. That is increment and decrement मैं कर सकूं, but at a time वो एक ही value display करेगा. Then at that time I can use this numeric up down control. And along with that numeric up down control के साथ एक और facility available है कि हम वहां पे value को enter भी करवा सकते हैं. It is not like that कि हम सिर्फ वहां पे select कर सकते हैं by navigating up and down. No, अगर हमें वहां पे value को enter करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं. एंड ये हमने ऑलरेडी यूज किया था हमारी लास्ट एप्लीकेशन में जहां पे हमें नंबर ऑफ मैचेस एंटर करवानी थी, राइट? ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल, डेसिमल प्लेसेस, अगर मैं वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डिस्प्ले करती हूँ तो कितनी डेसिमल प्लेसेस तक वहां पे वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए. हेक्साडेसिमल, अगर मुझे वहां पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वैल्यूज चाहिए तो मैं ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. इंक्रीमेंट मतलब मैं वो ये जो अप डाउन बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट? प्लस वन, प्लस टू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए. सो दैट इज इंक्रीमेंट. इंटरसेप्ट एरो कीज, इंटरसेप्ट एरो कीज का मीनिंग क्या होता है कि जब भी यूजर ये अप एरो एंड डाउन एरो कीज को यूज करते हैं टू सिलेक्ट द वैल्यूज, राइट? तो मतलब वो एरोज यूज कर सकते होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे वो वैल्यू को स्टैटिक रखनी है, चेंज नहीं करने देनी है, तो मैं ये इंटरसेप्ट एरो कीज प्रॉपर्टी को सेट कर सकती हूँ उस हिसाब से, राइट? नेक्स्ट इज थाउजेंड सेपरेटर, राइट? थाउजेंड सेपरेटर का मीनिंग ये होता है कि वह हम बहुत बड़ा नंबर ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल के अंदर सेट करते हैं, राइट? तो वहां पे थाउजेंड सेपरेटर क्या होगा, कॉमा होगा, या फिर मैं वहां पे डॉट यूज करना चाहती हूँ थाउजेंड सेपरेटर में, राइट? तो वो हम ये इसका यूज करके सेट कर सकते हैं. दैट इज द प्रॉपर्टीज थाउजेंड सेपरेटर. नेक्स्ट इज अप डाउन अलाइन, ये अप डाउन एरो है वो मुझे कहां पे चाहिए, मतलब ये स्पिन बॉक्स कहां पे चाहिए, राइट हैंड साइड पे के लेफ्ट हैंड साइड पे? बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू राइट है इसीलिए हमें राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज यूजर एडिट, यूजर एडिट का मीनिंग ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल के अंदर तो यूजर वैल्यू एंटर भी कर सकता है, राइट? सो यूजर एडिट कर सकता होना चाहिए कि नहीं कर सकता होना चाहिए, दैट इज यूजर एडिट. Another is value property. Obviously, numeric up down control में currently अभी कौन सी value है वो मुझे retrieve करनी है तो मैं value property का use कर सकती हूँ, right? Okay. Now the methods of numeric up down control, that is down button, right? अगर मुझे value को decrease करनी है तो मैं ये down button method को call करूंगी तो value decrease हो जाएगी, up button method को call करूंगी तो value increase हो जाएगी. अपडेट एडिट टेक्स मतलब जो करंट वैल्यू जो डिस्प्ले हो मतलब है, राइट, ऑफ दैट स्पिन बॉक्स, वो इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट में अगर मुझे वो डिस्प्ले करनी है तो मैं ये अपडेट एडिट टेक्स मेथड को कॉल कर सकती हूँ. वैलिडेट एडिट टेक्स, वैलिडेट एडिट टेक्स का मीनिंग ये होता है कि जो भी ये जो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल है उसके अंदर जो वैल्यू हम एंटर करवाएंगे, यूजर के पास अगर वैल्यू एंटर होती है तो वो अकॉर्डिंग टू द रेंज के जो वहां पे सेट की हुई है उस हिसाब से है कि नहीं है. बिकॉज स्टूडेंट्स आप ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल में भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो कि कहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए एंड कहाँ पे वो वैल्यू एंड होनी चाहिए. सो मिनिमम
एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी भी ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल के साथ अवेलेबल है कि जिसके अंदर आप मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी, इफ आई वांट द वैल्यूज विद इन द रेंज दैट इज 0 to 100, तो मैं मिनिमम में 0 सेट करूंगी एंड मैक्सिमम में 100 सेट करूंगी, तो उस हिसाब से यूजर ने वैल्यू एंटर की है कि नहीं की है, दैट इज वैलिडेट एडिट टेक्स्ट, राइट. एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल इज वैल्यू चेंज. जब भी न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल में वैल्यू चेंज होगी, राइट, तो ये इवेंट कॉल होगी, दैट इज वैल्यू चेंज इवेंट, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल, की जो आप नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर रेंज में आप ऐसा चाहते हो कि यूजर यही रेंज में कोई वैल्यू सिलेक्ट करे, इफ आई वॉन्ट कि अगर यूजर मार्क्स सिलेक्ट करे तो 0 to 100 के बीच में ही वो होने चाहिए, तो मैं वहां पे ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल रख सकती हूँ. एंड आफ्टर दैट आई विल सेट मिनिमम वैल्यू एज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू एज 100. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली अगर यूजर वहां पे वैल्यू चेंज भी करता है, दैट इज वैल्यू एंटर भी करता है, तो हम उसे वैलिडेट भी कर सकते हैं, राइट. सो ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल हमें ये पर्टिकुलर इस हिसाब से, अगर हमें यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना है तो हम वहां पे ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट. नाउ अनदर कंट्रोल इज ट्रैक बार कंट्रोल, राइट. जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि वहां पे आपको अगर कोई टास्क ऐसा करना है कि जिसके ऊपर से आप खुद ट्रैक कर पाओ कि कौन सी वैल्यू है, राइट. सो दैट इज ट्रैक बार कंट्रोल. आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये एरो को इस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. दिस इज अ ट्रैक के जो आपको स्ट्रिप में दिखाई दे रही है, एंड उसके साथ आपको ये टिक भी मिलेगी. अभी ट्रैक बार कंट्रोल में मैंने 0 to 10 सेट किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको 10 टिक्स मिल रही है, बिकॉज आप वहां पे टिक फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो कि अगर आपने 0 to 10 टिक सेट की है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो टिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक टिक वहां पे डिस्प्ले होगी. मीन्स दिस इज अ स्क्रॉलेबल कंट्रोल, राइट, कि जहां पे हम अकॉर्डिंग टू द स्क्रॉल पोजिशन हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज ट्रैक बार कंट्रोल. सो प्रॉपर्टीज है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द रेंज. अगेन 0 to 10, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 10. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. अभी ये ट्रैक बार कंट्रोल है वो हॉरिजॉन्टल मैनर में डिस्प्ले हुआ है, तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल. लेकिन अगर मुझे ये ट्रैक बार कंट्रोल वर्टिकल मैनर में चाहिए, तो मैं ये ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में सेट कर दूंगी वर्टिकल. नेक्स्ट इज स्मॉल चेंज. मैं जब भी ये पर्टिकुलर ट्रैक बार कंट्रोल के अंदर स्क्रॉल करती हूँ, तो वैल्यू में कितना चेंज होना चाहिए, दैट इज कितना ऐड होना चाहिए एंड कितना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट. दैट इज द स्मॉल डिस्टेंस, के ये जो ट्रैक बार के अंदर जो ये पर्टिकुलर एरो है वो कितना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मूव कर सकता होना चाहिए, वो भी हम सेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ओके मैंने यहाँ पे 10 टिक दे दी तो वो 1 टिक से दूसरे टिक के ऊपर ही जंप करेगा. नो, हम स्मॉल चेंज भी वहां पे सेट कर सकते हैं कि ये ट्रैक बार कंट्रोल के ऊपर जो एरो है वो कितना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकता है. नेक्स्ट इज टिक फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 0 to 10 है और मैं वहां पे टिक फ्रीक्वेंसी 1 सेट करती हूँ, इट मीन 0 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, मतलब एक वैल्यू के लिए एक टिक होगी. लेकिन मैं वहां पे 10 सेट करती हूँ, इट मीन 0 टू 1 के बीच में मुझे 10 टिक्स मिलेगी, 1 टू 2 के बीच में मुझे 10 टिक्स मिलेगी, दैट इज टिक फ्रीक्वेंसी, राइट. अनदर इज टिक स्टाइल, मतलब उसकी स्टाइल क्या होगी. अभी जो आप देख रहे हो वहां पे टिक स्टाइल है, दैट इज लोअर. आप अपर सेट करोगे तो टिक स्टाइल ऊपर चली जाएगी, बोथ सेट करोगे तो दोनों तरफ आपको टिक स्टाइल मिलेगी. एंड द प्रॉपर्टी इज वैल्यू, दैट इज करंट वैल्यू कौन सी है टिक की, राइट. वो अगर आपको रिट्रीव करनी है तो आप वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो. मेथड्स, टू मेथड. अगर मुझे स्टाइल सेट करनी है तो सेट स्टाइल मेथड को मैं कॉल कर सकती हूँ, और अगर मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी है तो मैं सेट रेंज मेथड को कॉल करके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकती हूँ. एंड ऑब्वियसली डिफॉल्ट इवेंट विल बी स्क्रॉल इवेंट, बिकॉज हम ट्रैक बार कंट्रोल के अंदर स्क्रॉलिंग करेंगे, राइट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन. तो उसकी डिफॉल्ट इवेंट क्या होगी, स्क्रॉल, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल, दैट इज ट्रैक बार कंट्रोल. एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. सो आज जो कंट्रोल्स हमने पढ़े, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे
पूछ सकते हो. एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर.